सामान लेके पहुंच गया भाई दक्ष, सामान इसमें भरा है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। सुबह का 5 बजे का टाइम और दिन और रखे, आज सोमवार का भोले बाबा का आज का दिन है और आज हम जा रहे हैं। बस आज की यहाँ की जो है लास्ट वीडियो, आगे आपको मिलेगी जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ की वीडियो। तो भाई पूरा प्यार सपोर्ट बनाए रखना यूँ ही अपना हमारे साथ। और सुबह का टाइम है, बस चाय बना रही हूँ। पति देव गए है जो है टेम्पू वाले को बुलाने के लिए, और जो मजदूर है जो सामान रखवाऊँगे तो उनको लेने के लिए गई हैं। सारा सामान पैक हो रखा है, थोड़ा बहुत ये है जो यूज़ कर रहे थे वो अभी बाकी है रखना। बच्चे भी सोने लग रहे हैं, मैं चाय बना कर और उठाऊँगी उनको। फिर उसके बाद मैं एक बार नहा धोकर घर के मंदिर में यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ, फिर भगवान जी का आशीर्वाद लेकर उनको अपने साथ लेकर, या वो भी हमें लेकर जा रहे हैं। भाई हम तो क्या लेके जाएंगे। तो बस फिर चले हैं, पैकिंग तो कंप्लीट हो गई है, सामान रखे हैं और चले हैं। एक भी दो फेर होने के बाद फिर सामान उतारने में और रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है, तो इसीलिए सोचा कि भी सुबह सुबह लोड कर ले सामान और धूप होने से पहले ही वहाँ पर पहुँच कर अपना जो भी सामान उतार भी ले। मैं मन बहुत भारी भारी हो रहा है, बिल्कुल पूरी रात चैन से नींद भी नहीं आएगी। खुशी भी है जाने की और घर छूटने का, ये सब छूटने का बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है। तो चलो, बच्चों की खातिर सब कुछ करना पड़ा है, ये भी करेंगे। तो अभी मेरी चाय उबल चुकी, इसमें दूध डाल दूँ मैं। और अब हो गया भी 7:45 बजे का टाइम, रूम सारे खाली कर दिए हैं, सारा सामान लोड होने लग रहा है, बस थोड़ा बहुत रह रखा है वो भी अभी डल जाएगा। पौधे वहाँ पर रख रखे हैं, सही है। ये उठा ले भाई, और नीचे वाला बैग उठा ले, एक ही ले जाओ। थोड़ी नीचे कर ले, इतना ही हुआ है। ये बैग बैग दक्ष की बॉल उसमें डाल दी। यो करियो, ये ले यो, इसमें धर दे टोकरी सी। जिस पल जिस घड़ी को सोच सोच के मेरा मन कई दिनों से परेशान हो रहा था, वो घड़ी भी अभी आ चुकी थी। हम अपना जो सामान लोड करवा के और घर से निकल चुके थे बाय बोल के, और भाई आते जाते तो रहेंगे, पर यह है कि भाई वहाँ से अब आते टाइम मन बड़ा परेशान हुआ था। जैसे भी दक्ष को छोड़ के आए हॉस्टल में, उस टाइम पर परेशान हुआ था, उसी तरह से बड़ा मन दुखी हो रहा था, खासकर मेरा। और एक लगाव हो जाता भाई अपनी जगह से, तो वही है बस। लेके पहुँच गया भाई दक्ष, सामान इसमें भरा है। अब उतारेंगे, अभी जो सामान था थोड़ा बहुत रह रखा, बाकी का उतार चुके हैं। ये दोनों मेरे भतीजे हैं, और ये करे भाई यहाँ पर मस्ती। बुआ का सामान उतरवाने के लिए आए थे, घर सेट करवाने के लिए, तो अभी ये कर रहे अपनी मस्ती। दक्ष भी बैठ गया, अभी थक गया दक्ष, बड़ा परेशान हो गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बारिश का हो रखा है मौसम, बड़ी घुटन सी हो रखी है, बादल हो रखे हैं और हवा भी नहीं चल रही, तो पसीने में इतना बुरी हालत हो रखी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे भी सबसे ज़्यादा गर्मी आज के ही दिन हो। पसीने में सबकी बुरी हालत हो रखी थी, 2-3 जो भी वो है हेल्प के लिए जो बंदे लेके आ रखे थे, मेरा भाई ले के आया था गांव से ही,
तो वो थे और तीन चार हम हो गए, तो मिलजुल कर सबने सामान उतार लिया था फटाफट। वही 2:15 का हो गया है टाइम, हम पहुंच गए थे, सामान उतर लिया है और सामान तो उतर गया भी, पर अब वो भी बारिश। जिस दिन पहले दिन है 2-3 चीज लेके आए थे ना, उस दिन भी हल्के हल्के ऐसे ही बारिश हुई थी, और आज पूरा सामान लेके हम पहुंचे हैं तो भी बारिश होने लग रही है। और ये है मेरे पेड़ पौधे जिनको हम अपने साथ लेके आए थे। अभी ऐसी लगन लग रहा है, खाना बनाया है, बच्चा नखा लिया, मैं रह रही हूँ, पति देव रह रही, भी काम इतना हो रखा है, बस पूछो हिम्मत। और गर्मी इतनी लग रही है तो एसी तो लगवाना था, एसी के बगैर भी ज़्यादा नहीं होगा। एक तो भाई ऊपर वाला होगा और गर्मी ज़्यादा लग रहा है, नीचे रहा करते तो नीचे फिर भी फर्क रहेगा, ऊपर की भी गर्मी है। 1:30-2 बजे का टाइम होगा, पहले खाना खा लेंगे उसके बाद में करेंगे और कुछ, बस एसी लग जाएगा, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, खाना पीना खा कर बाद में सेट करेंगे। किचन का भी सारा सामान, कपड़े वगैरह कई दिन पैक करने में लग गए और कई दिन वो करने में लग जाएंगे। ये बच्चे यहाँ पर खेलना ना करे हैं, गेम में लग रहा है समर, गेम में पूरा आवाज आने लग रही है अपनी, बहुत सारी बारिश आ रही है। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करूँ भाई सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। कई दिन के बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी थी, पहले पैकिंग की, फिर यहाँ पर आने के बाद अभी फ़िलहाल सेट तो कर रखा है पर पूरी तरह सेट नहीं हुआ है सारा सामान मेरा, मशीन का रखा है, ड्रेसिंग का रखा है, अभी मैं लगाऊंगी पर्दे। पर्दे खरीद के लेके आई थी घर पे, थे पुराने वाले, वो लगा दिए थे बाहर, और 2 रूम हैं उनके और लेके आई हूँ। ये यहाँ पर विंडो के तो भाई ये नीचे तो थोड़े थोड़े 4-4 इंच 4-5 इंच नीचे तो फोल्ड करने पड़ेंगे, तब जाके सही रहेंगे ना, नीचे लटकते रहें। और दक्ष घूम रहा है फ़ोन के लिए, इसने करनी अपनी पढ़ाई। फिर मैंने भाई सोची कि भी बहुत दिन हो गए, ब्लॉग भी एडिट भी नहीं हो पाए हैं, कई सारे तो बना रखे हैं खूब सारे पर एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, और ना ही अपलोड करने का वो था क्योंकि वाईफाई 2 दिन पहले ही लग गया है, तो इस कारण तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे ब्लॉग। और अभी 2-3 व्लॉग है वो एडिट कर वो डालने पड़ेंगे, पहला फ़ोन में फिर स्पेस नहीं रहेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भी वीडियो को लाइक करया करो, शेयर करया करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बहुत अच्छे अच्छे आपको वीडियो मिलेंगे देखने के लिए, क्यों भी नई जगह पाए हैं। मन तो बस, मन की मत पूछो, मेरा मन तो बहुत ही कम लग रहा है, बहुत ही कम, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। कापा की कोई अनजाना शहर भी कौन है, अनजाने लोग भी कौन है, पर फिर भी अनजाना कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मन नहीं लग रहा। तो चलो भी पहले ये कर लूँ, बाल गिल्ले, मैंने कलर लगाना था, वैसे कलर की मैंने सोची थी छोड़ दूँगी, पर क्या करूँ मजबूरी में वाइट वाइट बहुत दिखाई दे रहे हैं नीचे के छोटे छोटे से, तो भी लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो मेहंदी लगाने पर और ज़्यादा गर्मी लगा है और इतने पसीने आते रहेंगे लाल लाल रंग के पसीने, तो भी इसलिए मैं अभी कलर पे वो कर रही हूँ, मेहंदी नहीं लगा रही। तो पहले पर्दे कर लेती हूँ साइड पापा वाले रूम के और अपने वाले रूम के दोनों के, ये नीचे तो फोल्ड कर लूँ हूँ। मशीन अभी मैंने स्टार्ट कर दी है तो भाई ये कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपने और दिखाऊँगी आगे का काम। तो सबसे पहले लगा देते हैं पापा वाले रूम में ये वाले पर्दे, दरवाजे के ऊपर मैं लगाऊंगी नहीं क्योंकि भी दरवाजे के पीछे ही लगे रहते हैं, अगर दरवाजे के ऊपर लगा दिए ना तो दरवाज़ा खुला ही रखते हैं और बार बार में फिर ये एक साइड में ही कोने में ही लगे रहेंगे। तो मैंने विंडो के ऊपर लगाए हैं सिर्फ ये यहाँ पर, और ऑफ वाइट कलर के ही पर्दे हैं, ऑफ वाइट कलर ही पेंट हो रखा है, तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो रखा था,
उसके बाद मैं यहाँ पर जो ड्राइंग रूम है इसमें बना रखे हैं, ये लगा रखे हैं जो घर से लेके आई थी पुराने वाले पर्दे, तो वो लगा रखे हैं। ये मैं यहाँ से चेंज कर लेती हूँ, ये वाले अपने रूम में लगा दूँगी, और नए वाले हैं जो ये यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल के लिए लगा देती हूँ। ऑफ वाइट कलर ही यहाँ पर वो रखा है, और ये बड़ा सा जो वो रखा है शीशा, ये भी दीवार में ही लगवाना है या फिर इसका फ्रेम बनवा के, और फिर देखते हैं भाई फ्रेम बनवा के लगवाते हैं या फिर ऐसे ही इसको सेट करवा लेते हैं दीवार पे। यहाँ पे वो लगा दिए जो पहले वाले थे हमारे पुराने वाले पर्दे ड्राइंग रूम में, और पापा वाले रूम में लगा दिए नए वाले। यहाँ पे रखी हुई मेरी मशीन, तो अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, और कुछ काम करना है वो कर। तो करेले रख दिए थे थोड़ी देर के लिए धूप में, और अभी मैं बनाऊंगी आंबी की खट्टी मीठी सब्जी, और साथ में बनाऊंगी करेले। तो अभी पहले जो तैयारी है वो पूरी कर रखी है, पहले आंबी की सब्जी है वो छोक देते हैं। थोड़ा सा भी इसमें गुड़ डालूंगी और थोड़ी सी डालूंगी इसमें चीनी, खांड का यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि खांड में मिठास थोड़ी सी कम होती है, और वो ढेर सारी डालने के बाद भी वो वाली बात बनेगी नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आधा किलो के करीब चीनी मंगवाई थी एक बार पहले, तो वही रखी हुई है वो डालूँगी थोड़ी सी, और थोड़ा सा इसमें गुड़ डाल दूँगी, ज़्यादा चीनी भी नहीं यूज़ होगी और गुड़ डालने से कलर भी वैसा नहीं होगा। वैसे तो भी साफ़ सुथरा गुड़ है, इस टाइम पे पुराना गुड़ होने के बाद हो जाता भी इसका कलर चेंज, डार्क डार्क हो जावे थोड़ा सा। तो ये यहाँ पर जो थी मेथी का छोक लगा के, और मैंने छोक दी है आम भी, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, गरम मसाला, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर ये डाल दिया है। कलर लाल मिर्ची पाउडर डालने से काफ़ी अच्छा आता है सब्जी का, तो वैसे तीखी तो होती नहीं है। तो यहाँ पे डाल के और छोक लगा दिया है, उसके बाद मैं ढक्कन ढक के और थोड़ी देर रख देती हूँ। ये है नमक, तो ये नमक भी मैं जो मसालदानी में ख़त्म हो रखा था वो भर के इसकी जो डब्बी है मसालदानी की वो रख दिया है। अब इसमें गुड़ डाल देती हूँ, पानी अभी डाला है नहीं। गुड़ डालने के बाद अभी लास्ट में मैं डालूँगी इसमें पानी, खूब सारा इसमें पानी डालकर, दो या तीन गिलास के करीब इसमें पानी डलेगा, और फिर लगा दूँगी मैं सीटी। ये यहाँ पर बस गुड़ डाल कर और मिला दिया है, उसके बाद में मैंने डाला थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डालना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पर धनिया पाउडर डालने के बाद अभी अच्छे से मिक्स कर दिया है, गुड़ भी मेल्ट हो गया था, और ये डाल दी इसमें चीनी, चीनी डाल कर अभी मैं डालूँगी इसमें पानी, और फिर ढक्कन लगा के धीमी आंच पर 2 से 3 सीटी इसमें मैं लगवा देती हूँ। वैसे भी खुली भी बना सकते हैं, पर अभी मैं कढ़ाई में बना रही हूँ करेले, तो इसलिए मैंने झटपट से बनाने के लिए मैं कुकर का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और ज़्यादातर मैं कुकर में ही बना लेती हूँ जो भी सब्ज़ी होती है वो, कढ़ाई में तो एक आध सब्जी ही बनाती हूँ। तो ये हो चुकी है मेरी आंबी वाली खट्टी मीठी सब्जी, बस यहाँ पर रेडी, और ये रख दी है मैंने साथ में अभी चाय। तो अभी चाय का भी टाइम हो रखा था, और टाइम हो रखा था अभी 4:30 बजे का। फ़िलहाल मेरे को आज जल्दी काम करना था, थोड़ी देर के लिए बाहर जाना था, एक दो काम है। तो भई अब तो जब तक पूरा प्रॉपर से अपना जो रूटीन है वो नहीं आ पाता लाइन पे, तब तक ऐसे ही होता रहेगा कि भी कभी कोई काम किसी टाइम पर निपटाना पड़ेगा और कोई काम किसी टाइम पर, क्योंकि भाई सेट तो घर धीरे धीरे होता रहेगा। ये है सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिया है, पर साफ़ सफाई है डेली की जो होती है वो तो डेली की चलती रहती है,
और बाकी जो सामान को सेट करने की का काम है वो भी है, तो वो भी करना है। अंदर बाहर से थोड़ी बहुत ख़रीदारी करके लेकर आनी है, एक आध सामान है वो ख़रीदना है। तो भाई काफ़ी काम बढ़े हुए हैं। उसके बाद मैं ये यहाँ पर अभी मैं लग गई थी जो करेले हैं उनके लिए प्याज कट करने, और ये यहाँ पर मैं कट कर रही थी इस तरह से प्याज। तो भाई अभी मेरी उंगली में भी लग गया था ये चाकू, पता नहीं ध्यान कहाँ पर जा रखा था कि कितने सारे काम हैं और टाइम का पता ही नहीं लगता भी कब कितना टाइम हो गया। घड़ी में देखते हैं, फ़ोन में घड़ी तो सॉरी मैं अभी लेके नहीं आई हूँ, घड़ी लेके भी आनी है, तो फ़ोन में देखते हैं तो 2:30 और फिर देखते हैं तो भी शाम के 5-6 बज गए। तो यही चलता रहता है, जब मौका मिला सब्जी वगैरह मैंने रेडी करके रख देती हूँ उसी टाइम पर। यहाँ पर अभी 4:30 बजे के करीब मैंने दोनों चीज़ें रख दी थी, और ये मैं दिखा रही थी अपनी उंगली, यहाँ पर लग गया था चाकू, थोड़ा सा कटुआ था, ज़्यादा गहरा नहीं था। तो भाई तो यहाँ पर कढ़ाई में रख दिया है सरसों का तेल गर्म होने के लिए, सरसों का तेल गर्म हो चुका है। अभी इसमें डाल दी थोड़ी सी अजवाइन, ज़ीरा, मेथी दाना, ये सारी चीज़ें हल्की सी होगी भी सुनहरी, उसके बाद में डाल दिए हैं ये, ज़्यादा बारीक भी नहीं कट कर रखे और ज़्यादा मोटे भी नहीं, मीडियम से कट कर रखे हैं प्याज, वो डाल के थोड़ी देर के लिए इनको भी भून लेती हूँ। और उसके बाद में जो है करेले वो अच्छे से मैंने मसल मसल के धो रखे हैं, 2-3 बार पानी में डाल कर उनमें लगा रखा था नमक। तो भाई जो पानी था उनका वो नमक वाला वो कड़वापन उनका निकल जाएगा। उसके बाद में अभी वो जो है रख रखे साइड में छलनी में डाल के जितना भी पानी उनका होगा वो नीचे निकल जाएगा। और ये यहाँ पर जो आम भी थी उनका पेस्ट मैंने बना लिया है, एक बड़ी वाली आम भी इसके अंदर डाल दी है, बाकी की बना दी थी खट्टी मीठी वाली सब्जी। तो यहाँ पर आम भी के साथ ही जो बाकी के मसाले थे वो डाल कर और पका दिए है। और ये यहाँ पर बस हो चुकी है मेरी आम भी की सब्जी यहाँ पर रेडी। और अभी मैंने खोल कर देखा तो ऐसा लग रहा है कि भाई एक बार 5 मिनट के लिए थोड़ी देर और गैस ऑन करनी होगी, तो अभी मैं गैस ऑन कर देती हूँ दोबारा से, ढक्कन लगा दिया था। और ये यहाँ पर जो भी करेले थे इनमें थोड़ा थोड़ा सा जो ये लाल है वो बीज तो ये निकाल दिए थे, पर थोड़ा थोड़ा सा लाल हो रखे थे एक आध करेले, और बाहर से तो बिल्कुल ग्रीन थे पर अंदर से दिखाई दे रहे थे, बीज निकालने के बाद भी थोड़ा थोड़ा रेड रेड इनका दिखाई दे रहा था अंदर वाला हिस्सा। तो फिर मैंने ये डाल दिए हैं कि बीज पकने के बाद सब ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्याज हल्के से भुन गए थे, उसके बाद मैं आम भी डाल दी है, बाकी के जो बेसिक से मसाले होते हैं धनिया पाउडर, गर्म मसाला, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, तो भी आम भी के साथ ही मैंने बना लिया था, तो वो चीज़ें डाल कर अभी मिक्स करके नमक भी डाल दिया है साथ में ही, और ये ढक्कन लगा के अभी धीमी आँच पे इनको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और ये हो चुका अभी अगले दिन की सुबह का टाइम, अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू पोछा कर रही हूँ, पोछा लगा रही झाड़ू लगा दी थी। तो भाई टाइम हुआ होगा 8-8:30 बजे का, और इस टाइम पे आ रखी है खूब बारिश, तो बारिश में नहाने लग रहे हैं भाई दक्ष और उसके पापा, और ये मेरे को भी बोल रहे थे पर भाई इतना टाइम कहाँ है कि भी बारिश का मजा लिया जाए, पहले काम उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, ये थोड़ा सा लेट जाएंगे आज बोल रहे थे, तो इसलिए पहले जो है किचन का काम ना करके साफ़ सफाई वाला ये काम मैंने निपटा दिया था यहाँ पे। और बाहर हो रही है भी अच्छी वाली बढ़िया वाली तेज़ बारिश, तो ये बारिश का मज़ा ले रहे हैं। ईशिका अपनी पढ़ाई करने में लग गई थी, तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं बाहर का मौसम। और ये देखिए भाई यहाँ पे नहा रहे हैं ये दोनों, तक्स लगा रहा है साथ साथ में, भाई सफाई भी कर रहा है, वाइपर लगाने लग रहा है छत पर। गमले रखे तो थोड़ी बहुत ही मिट्टी जो थी इनमें से निकल रही थी, और ये यहाँ पे मज़ा ले रहे हैं बारिश का, बस अब तो हल्की फुल्की बूंदे ही रह गई।